बोलियो जमाले घर अवतार की। जय बोलियो करो थे कि जय में कलुषी करो। अरे गुरु हा गुरु महाराज और दारू दोनों है जो जमेरी सामग्री लाया है कविराज वर्णन करें। घर अवतार की जमे की के सामग्री गुरु जी लाया है सारी और चावल चीनी लाया और के शक्कर है न्यारी और जल छिड़कने लाया एक बड़ पीतल की जारी और आचा आचा फूल लाया जन खुशबू लागे है प्यारी। वेद विधि के साथ में मावे रूपार थर्पण करके और इन्हें अरोधी भजन चालू करिया और इन्हें भाई रूपा दे जी जम्मे में समय तैयारी करे। अरे सर मन में विचार करियो रावण मालदेव जी की पोशाक फेर लो और तुर्रा कलंगी तार लगा लो हाथ में राइफल बंदूक गलडबे तलवार और कोई सिपाही बतला सके कोनी अरे बाबे राधेश्याम कर पाछी पाछी आ जा। अरे अब करिया मरदा नारे बेस भाई रूपा दे अरे भाई सा जम लेरी करी रे तैयारी रे हमारे समाज का संभाल रहा
बोले बाबा रामदेव महाराज की। भाई रूपाले जी दरबार की पोशाक तेरी और मन में विचार करियो के जिनानो शरीर है और मर्दाना कपड़ा है और ओपिया कैसा है दीवार में मारे कांच लागोड़ो है। भाई रूपाले जी अपनो शरीर देखियो और दारू वाली बात याद आई। बोलो दारू भाई केर गयो। बोले भाई साहब सात फले राख्या झूठ मती बोलिया और मैं तो पूरी है जगी कपटरी बन गई। ऐसे तो नहीं बाबो हुकम देवे तो जाओ जनरल ड्रेस में जाओ। महाराज भाई रूपाले जी दरबार की पोशाक पाछी उतारी और अपना जगह जनरना कपड़ा जगह पाछा लगाया और इन्हें भाई रूपाले जी ने एक शू पाड़ी उड़ो। भाई रूपाले जी कहूं लागे सुहा रूपाले जी के अरे तू ही ओ सुवटिया मारे बीरी धर्म रो अरे भैया आज भोलावन बादल में लरी रे दियो निकाल करके मेवा विस्तान तन खिलाया पाड़ और इतो मोटो करियो और तन कोई काम नहीं बोलायो और आज एक मारो क्यों छोटो कौम तुम को कर दे नहीं। सो देखर क्यों लागो बोले भाई साहब आओ जब बात करो। बोले आज मैं बाबेरे जमे में जाऊं और जब वो बादल मेल है जगह रुखाड़ी तन करनी है। सुबह देखर क्यों बोले भाई साहब इस पिंजरे में बैठो कहीं जवाब दे पिंजरे से बाहर निकालो और चारों तरफ घूमतो रहे क्योंकि थारे घर दरवाजा घड़ा है। भाई रूपा जी पिंजरे से बाहर निकालियो और सुबह है जो गंडरे कांग्रेस आए बैठो। बोले रे सुबह बोले आ मारी बुआ बोले जाऊं जमे में बोले दे पग आ गए जलमती जमा ही किए काम देखो नहीं गए काम करे तो और गणाई है तो साउंड ले गए। भाई रूपा जी कहने लगे सुबह आज अकठी को जाऊन को नहीं हमें कोई दूजो पाड़िया। सो देखकर कहने लगो बोले भाई साहब अरे कूड़ कपट भाई साहब मैं नहीं भागू ई मुंह क्यों झूठ थोड़ी बोली जाए क्या कह मैं तो सुन रे खायो रे रावण माल रे दियो ये भावी राखे जोरे भेरो पूरा
बोले बाबा रामदेव महाराज की। बोले भाई साहब, रावण मालदेव जी को चून खायो है और झूठ नहीं बोलो। रूपाल जी मन में विचार करो, बात मुस्कुत हुई कहीं करा। बोले सुबह आज आप कठी को जाऊ, मन में कोई दूजो पालिया तो भाई रूपाल जी ने गुरु महाराज उधम सिंह जी रो सिखायो कोई एक नागपुली रो जाड़ो। भाई साहब एकांत बैठ करके और नागपुरी रो जाड़ो पड़ियो और पताल लोग करे मोने सर्प है जगो जिजक करके बैठे। बोले सर्पणी कोई मृत्यु मंडल में भक्त दुखी है और जाकर के और दुख निवारण करो। तो सर्पणी पांखा धार करके और पलछिन में आ और भाई रूपांदे जी रे मेल उतरी। बोले भाई आधी रात की समय और क्यों मन किया याद करी। बोले पहली दुष्टि ने ले रहा सुवे ने सर्पणी तो एक फुट ऊंची जा एर लोडा ठोकिया एर सू है जो बठे पर लोडा खाऊ लागो ए नखत बना बलि करिया। भाई फटफड़ाट कर तो आकर के भाई साहब खोले में पड़ियो और भाई साहब पिंजरे में बंद करियो। सर्पणी देख रही तो ही काम बोले थोड़ो हो रहे। बोले कोई के आज हूं बाबे रे जमे में जाऊं और जो मारो बादल मेल है जगह जो खड़ी तन करनी है। आली मुस्ती नौकर चाकर दासी दास दरबार खुद आ जावे तो तू मुंह तोड़ जवाब दे दे। बोले भाई मुंह तोड़ कोई नड़ा काट ले। बोले कृपा कर और खाई मत। वचन में लेकर के और पिलंग पर स्वाण चदरो ओढ़ा और टेढ़ो दरवाजो बंद कर और आते मोने भावरी थाली लेकर के भाई ऊपर जमे रवाना हो जावे। अरे वारे बाबा हमें जमे मावतो न कुण पाले मारा तो ही अपन लोग आओ कौन इते दोरे दुखाऊं। अरे भाई रूपाली जमे में जा रिया है आखा लेवे जन रही है साहब ही लेवे करने जन लेवे ही नहीं बात। तो भाई रूपाले जी इन्हें पहली डोडी पर आया आगे डोडी वान सिपाही सब नींद ले लिया। भाई रूपाले आगे डोडी खड़खड़े बोले डोडी वान कोई बात है तुम ले हो। डोडी वान झिझक करके बैठे बोले खमा आप किसी देवी हो। भाई रूपाल जी कहूं लागी देवी नहीं हूं मैं। तो रूपाल जी के अरे मैं भाटी रेती दूर गरी कमर लाड दिए और अटे अरे रावण माल कर बाबा रामदेव महाराज की। रूपांजी कहने लगी रोंडो दीवान मैं ठाकुर विदुर जी की बेटी हूं और रूपादेव वारो नाम है और अठे की मेवागढ़ री हेज की पटरानी हूं। बोले भाई साहब आधी रात की समय और क्यों आप अठे की। बोल डोडीवान बात कम कर और अडोली खोल। बोले भाई साहब सस्पेंड करा होगा हाड़ी हाथरी का जो नौकरी जादे डोडीवान ने इसी बात कही। भाई रूपा जी मन विचार करो इनकी थोड़ो लालच दे माने को। डोडीवान ने कहने लगी भाई रूपा जी को डोडीवान बड़ो समझदार आदमी लागे सुन मारी बात है।
देव महाराज की। भाई उपाध जी क्यों लागी डोडीवान, तू ही डोडीरा बीरा के बड़ो है ख्याति, और तन को आर हजारी देऊ के जमले में जाती, और 1,25,000 रुपये रो आ रहे ओ ले ले और तो डोडी खोल, और थारो के मान बीरा में रखू प्रभाती, और चिटकी चूरमो के लाऊला आती, सुबह टेबर में आवती टेबर में चिटकी और चूरमो लाऊला, वो पूरो और पूरो थारो है। डोडी वान मन में विचार करियो, रे हो 1,25,000 रुपये रो आ रहे बेचम ला कटे। डोडी वान देख रहे क्यों लागो, बोले भाई साहब पोसावे कौन है, बोले क्यों डोडी वान के देख रखे। बोले भाई साहब टाटी कलर है भाई वारी के उम्र बिताऊं, और ओ आर हजारी थारो में के कठे लुकाऊं, क्यों के बोदोड़ी बाजरी है जगीने बैल जीव खाऊं, और आ चिटकी खाऊं तो क्यों भाई फट मर जाऊं, अमलदार आदमी हूं और क्यों चिटकी चूर में जगो लाग है। भाई रूपा जी मन में विचार करो, इनकी लालच है जगो थोड़ो दो। भाई रूपा जी कहूं लागी डोडी वान, अरे तू पगलारी पायण ले ले जोजर बाजनी, अरे बीरा गाड़ी एक डोडी खुली रा
बोले बाबा रामदेव महाराज की। भाई रूपा जी एक कहन लगे मुंडो दीवान आप पगारी पाड़ लेने और तू घड़ी कह जगी डोडी खुली कर। डोडी वन पाड़ लेकर के जपते करिए। बोले भाई साहब डोडो री चाबी तुम्हारे घर को है तो कट देगी चाबी। बोले डोडो री चाबी है जगी रावण माल कल है लाओ तो खोल दो। बाकी आप आधी रात की समय और इतो कष्ट देख करके और बाबे रे जाओ इतो थन बाबू कोई दे है। जड़ रूपा जी देख कर कहन लागी बोले भैया बाबू तो एक सुखोरा सागर है अंधा ने आंखें दे पंगला ने पांव दे ओडियोरा कणक झाड़े और बहुत जरा पालना दिलाओ बाबू राम जी महाराज। डोडीवान कियो रे हो बाबू बेटा दे अडोडी खुले कौन क्यों। इन्हें भाई रूपाल जी डोडी आगे खड़ा रे और बोले रे बाबा हुक्म दे। इन्हें गुरु महाराज दारू तंग करे बोले दारू तुम के आखा दे रहे हो और भाई रूपाल जी अभी आया क्यों कौन कौन बात है। तो गुरु महाराज एकांत बैठ करके ध्यान करे और कई राज वर्णन करे। शिखर पर चंदो है आधी रात है छुप गया तारा दारू के रात आई आधी और भूल गया मार्ग भाई ने कोई के गली नहीं ला दी। भाई साहब कोई मार्ग तो नहीं भूल गया ढोनी रो तो के कर सिमरना गुरु जी साधना साधी और खुल गया ताड़ा के भी पड़िया रहा है अपराधी। भाई रूपांदे जी रा बाबा रामदेव जी महाराज की कृपा सातों त्रोल रा ताड़ा बलदेव जी एक ही साथ खुलिया है। अरे वारे बाबा भाई रूपा जी जमे में आया है और हाजिर होया है और आकर के गुरु महाराज ने प्रणाम करियो है और दारू देख रहे केवन लागो। बोले भाई साहब आ जमेरी बेड़ा है ये तो ही कोई मोड़ो करिया करे। बोले भैया मोड़ो को हो जाए तो खैर कोई बात नहीं और क्यों आप आ ही गया ओ लो तंदूरो यार दो भजन बाबेरा आप ही बोलोगे।
तो भाई रूपा जी कई भजन बोले आ डलती रात और जिना नो कंठ भाई 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 रे भाई 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 रूपा जी कह रहे लो सुन जे आए तो अज मल घर अवतार माता हाजरी जगी लिख लीजिए ये बाबा आज आली जगी मारी हाजरी है जगी तू पक्की लिखी इन्हें भाई रूपा जी भजन गावे और इन्हें रानी चंद्रावल आधी रात की समय रे मां जागी है और वा रूपा दे दियाली आवाज है जगी काना रमा पड़ी है और पूरी गेरी ओग नाई भाई काल ने झूठ नहीं पड़ जाओ मन में विचार करियो कि बिल जरूर रूपों गावे आज दिन में वो दारू है जो आगो पासो हो गए वो हटाए हो गए हाँ बातों है जो कि समय रो इंतजार करती और आधी रात की समय जाकर के और रावण माल दीदी ने कह बोले राजन आपकी रानी क्यों आज रूपों कट है रावण माल दीदी देख रही क्यों मेले रे माने सोता है आज रानी रे दूध शनिवारी रो व्रत है और मैं मेले में नहीं जा सकूं बोले रानी इतनी बात कही जद रानी है जगी चंद्रावल केवल लागी बोले दरबार आज अगर जे रानी रूपा दे मेल में हुए तो मैंने खत्म कर दिया वा जे मेल में नहीं हुए विन खत्म कर दिया और मैंने जगो राज दे दिया रानी चंद्रावल और दरबार दोनों जावे और जाकर के कोई है जगो सदरू दूर हटावे कोई बात सरपनी फण धारण कर माथे घुनी आ जावे अरे जाय रावण माल दे जी पल्लो रे हटायो अरे अब चीड़ी जो भमंग कालो
चदरों दूर हटायो और सरपनी फण धारण करके और माथे धुनी आई और रावण मालदेव जी है जो 10 कदम पीछे दिया ए लखत बना वाली करिया भाई और पंखा धारण करके और सरपनी आकाश में उड़ चली। बोले रानी जावे नहीं पकड़ो कनी पूंछ। बोले रानी 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 भी दिन पतो कोनी हो कोई बी साजी ने एक लोटे में पानी पायो घर बसावे जेड़ी ही कोई क्योंकि बातो पते तिथा तीर मारे मारे। बोले रानी जटे भी मिलेला रूपा दे आज के वे ने जो खत्म कर दे। रावण माल दे जी और एक सलजी नाम रा क्वाश दोनों जावे आथोने किनारे जावे जन जमो होनी जे अगुणे किनारे और दौड़ करके अगुना जावे जन जमो है जो दिखना तो होनी जन लाग जावे। और सलजी के दरबार जमो तो इन्हें और दौड़ करके दिखना दे पासी जावे जमो उतरा दी पासे होनी जे बाबे है जो यूं माथो घुमा दियो दोनों। सलजी देख के केम लागा बोले दरबार थे अठी रुको मने एक ले नहीं जाऊं दो। तो सलजी खवास जावे तो सवारे किनारे वाई रूपांदे जी री पगौरी है जगी पगर की उतारी उड़ी धीरे से एक ही बगल में दबाई और एक ही बगल में दबाई 9, 2, 11, 1.5, 2.5 बोले दरबार साबूत ले रायो। बोले कोई जन आत ही करिया पगर की गायब बाबेरी के फोन लकड़ी रा काल कूट होकर नीचे पड़ जावे और आत ये रह गया भाई हेलीकॉप्टर बनी उन्हें उलारी खाए अरे खाखोर हम ए ढीम लो थे आ खाखोर आई उवे दिनों फैलाई दिए। दरबार देख कर कहने लगे बोले रानी इसी पगर की कदे पैरन लग गया। बोले ए लायो तो पगर की हो और सलजी के अरे आलो को नी जावे मस सालो को नी जावे Yo
बोली द्वारी करना थकी सलजी खवास कहे के आलियो को नहीं जावे मासूम सालियो को नहीं जावे। अरे इतने में कहीं जादूगर जादू भरी हो तो इन्हें वे दोनों है जो एडी बातों करे और इन्हें भाई रूपा देव पतो लागियो है के भी आज निवागढ़ दरबार रो है जो को कोप है भाई सारो है जो को मुंह उतर जावे दारू देख कर पूछे बोले भाई साहब आप आया जन थोड़ो चेहरो है जो बड़ो बारी है जो खिल तो और अब आप मुख पर उदासी क्यों है। बोले रे भैया आज रावण मालदेव जी रो कोप है मरनो नजदीक है और जुड़ो बहुत दूर है बारा दारू देख कर कहन लागो जे हरीरा के साईया और बिन मार सके नहीं को बालन बंका कर सके भाई जे जुग बेरी हो बोले भाई जे हरी राखे साई आंख तो कभी ने मार सके नहीं कोई बाल अनबंका कर सकी और के सब जुग बेरी होए जाओ भाई थोड़ी भगवान है जो सहायता करे ला। तो भाई रूपारे जी गुरु महाराज ने प्रणाम करके मठो रवाना हुए बी टेमर मा दारू आदिरी दोतरा जगह अदरातियाड़ा जगह सूर मेरा पांच पिंडिया होता बे थाल में रख दिया है बल्ले जी। बोले भाई साहब ओ बादर ऊपर साथ ले जाओ खाली थाल थोड़ी ले जाओ भाई रूपा जी आदरे मोने थाल है और ऊपर ओने रो है जो ओ साथ लगायो और इन्हें भाई ऊपर भी जावे सलजी ख्वास के बोले दरबार थे इन्हें भोगन तानो रानी रूपा जी आज आ रही है दरबार के बोले रानी रुक जा आधी रात की समय और कटेगी रानी रूपा जी देखकर क्यों लागी बोले दरबार बाबूजी टोपिया गालो आदि की जोत करो दरबार
गर्मी री मौसम राजा है के फूला रो तोड़ो और मैं जानू राजा जी ने पड़ जासी फोड़ो और के नर और नारी रो है अनादु जोड़ो और हो जाओ पासे राजा औरस तो छोड़ो। मैं पुष्प फूल लाने के लिए गई। रावण बाल जी देख रही रानी क्यों झूठ बोले अट नेड़ो नेड़ो क्यों कटी बगीचो ही कौन है आंकड़ो लीलो कौन के दरबार के अरे ई मारवाड़ मरुधर माई ने बगीचो नी नेड़ो हाँ एक जरूर है कटे के जोधपुर के मायने अरे रानी एक मनो मारवाड़ के मरुधर मायने बगीचों नी नेड़ो और एक जरूर है कटे के जोधपुर के मायने मनोरी बाग है जिनरो के कोस 50 पियानो और को किस भी दिलाई जा रहे 50 कोसरी मंजिल है और आवता दावता कोई बनेगी बने दरबार मैं लाई तो जरूर हूं। तो इन्हें भगवान रामदेव जी महाराज मन में विचार करियो करी भक्त संकट में तो बाबा रामदेव जी महाराज बैठे भगवे रमो ने प्रगट होया और प्रगट होकर की और कह रहे बोले काई बात है क्यों लड़ो रे रावण मालदे जी के थे बेटो आ बाबो बाबो मां कर क्यों हैं घर बिगड़ गयो। भगवान रामदेव जी महाराज कहने मैं पूछूं काई बात है बोले आके मैं फूल लाई हूं और बतावे नहीं है। बाबा रामदेव जी महाराज कहे छोरी नहीं बताओ तो कहीं हूं बता दूं ले कहीं बाबा रामदेव जी महाराज वो थाल रे ऊपर ओसा कटावे अरे कहीं भी थाल रे मोने जोधपुर और मंडोरी बाग लगा दे बोले बाबा रामदेव महाराज की बोले सच्चे दरबार की। अरे के आये मारा अंगाता जी पल्लो रे हटायो अरे बाबे थाली मायने बाबा रामदेव महाराज की।
भगवान राम जी महाराज जो ही है जो थाली रमा तो पलो दूर हटायो और थाली रमा ने जो जोधपुर वाला मंडोरी बाग लगा दियो। बोले सत्य दरबार की और राण माल दे जी चांदना होयो राणी रूपाल जी ने देख रहे हो ये राणी एड़ा बाग करना है जो मनी सीखा। बोले एड़ा बाग करो जन गुरु उगम सिंह जी महाराज ने मुझे उपदेश लेनो पड़े। रावण मालदेव जी और रानी रूपाली मंदिर आवे तो दारू देख करके बोले भाई साहब थे तो आया जगह ठीक भला आया पर ई नुगरे रावण ने क्यों लाया। बोले भैया वो नुगरो कोरी होनी गए हम हुगुर होए। गुरु उगम सिंह जी रावण मालदेव जी ने उपदेश करे और उपदेश करके गुरु मंत्र दिए। बोले रावण मालदेव जी जाओ जटे थोड़ा जीता भी शस्त्र पाती है घर में क्यों कुएर मोहन आकराओ। रावण माल दी शस्त्र पाती राइफल बंदूक तलवार सब कुएं में नौखे और सामने आकर के बैठे रानी रूपा दी भजन गावे और रावण माल दी सामने बैठा है मंदरो भाव प्रकट होयो। बोले वारे राजा तू छत्री है और रानी हम ही बैठी भजन गावे तू भजन होने शस्त्र है बाबे रे कड़े कुएं में नौक दिया ऐसो मंदरो है जो भाव बनियो और गुरु महाराज मंदरो भाव समझ करके और रावण मालदेव जी ने कह रहे बोले रावण अरे तू संभाल संभाल रावणी माल संभाल ले। अरे रावण ओ दिल में दे तो को मती लाव बाबा रामदेव महाराज की। रावण मालदेव जी गुरु गोविंद सिंह जी के बोले रावण समझ समझ रावण माल समझ ले। अरे रावण दिल में धोखो मती लाओ। बोले रावण क्यों धोखो लावे आप यो करो घरे जाओ और थोड़ा शस्त्र पाती देख आओ। रावण मालदेव जी बोले बाबा शस्त्र तो है कोई मना कर दिया और जाओ तो करी। रावण मालदेव जी घर जावे बाबा और जट शस्त्र टंगियो है बटी शस्त्र देखियो है और रावण मालदेव जी ने ज्ञान हुयो। बोले है जो भक्ति है तो इन्हें भाई रूपा दे दी। रावण मालदेव जी ने समझा। बोले रावण रावण आए ओए जावो साध अरे सुधारो थारी अरे काया रे गाड़ी बार सुबह रावण ये रावण माला
आदि जो तो है अब अदरा।